जीवन भर कांग्रेस को गाली देते रहे, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन 56 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, उसके बाद अगर 30-35 सालों में वो पब्लिक सेक्टर नहीं बनता, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं होता, एम्स IIT नहीं खुलते, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खुलता, तो रिजर्वेशन कहाँ लागू करते हैं, ये बिल्कुल बताइए। सही, बिल्कुल सही। दूसरा, आपको पेट्रोल पंप भी मिले हैं, गैस एजेंसियां भी मिली मिली है कि नहीं मिली? हाँ मिली ना, मिली अपने लोगों को, मिली पेट्रोल पंप पर तो मिले शुरू हैं। कहा से, अब कैसे समाज कैसा है कि अब भूल जाएगा, आंख बंद कर लेगा सीधा? बसपा को, आप वाम सेव को, ऐसे संगठन को जो फंडिंग हो रहा है, इसी मिडिल क्लास से हो रहा है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा, तो सरकारी स्कूल बिल्कुल का हाल देख लीजिए, ध्वस्त हो गया। सरकारी बिल्कुल सही, सरकारी विश्वविद्यालय खत्म कर दो, स्कूल कॉलेज खत्म कर दो, इनके पढ़ने वाले के लिए पैसा नहीं है, पढ़ेंगे कहाँ? कौन MP बनेगा, कौन MLA बनेगा, वो अलग मैटर है। समाज मुश्किल में है, शिक्षा रोजगार के सवाल है, स्वास्थ्य के सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। तो जिस तरीके से 10 साल में हुआ, अब तो खैर अब जो सरकार बनी है थोड़ी कमजोर सरकार है, अब उसके भी बहुत सारे अंतर विरोध सामने आ रहे हैं, लेकिन अलायंस होता तो वाकई चुनाव जीत जाता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। बसपा को ही नहीं कह रहा हूँ, आत्मचिंतन करना चाहिए। पार्टी बनती है हर समय आंदोलन से, आंदोलन जो है ना वो ऑक्सीजन का संचार करता है पार्टी में। तो जब आप सड़क पे नहीं है, रोड पे नहीं है, आप किसी मुद्दे पर आप मुखर ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ आंदोलन ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वोटर कोई परमानेंट वोटर किसी का नहीं होता है। तो जब आप सर्वजन हो गए, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो एक बार सब लोगों ने मिलके जितना ड्रम्स बजाए, चाहे जो भी डिसकंटेंट रहा हो समाजवादी पार्टी को लेकर या BJP को लेकर, मिला जुला के एक बार फुल फ्लेज्ड जो है ना उनकी सरकार बन गई, 7 से 12 तक सरकार रही। लेकिन जी उसके जी बाद पुनः जो है, जब RSS BJP मजबूत हो गया, तो जितने मुझे लगता है कि जितने उनको उनके बेस कोर वोटर थे, वो सब पुनः वापस BJP में चले गए, जो शंख वंख बजाते ढोलक बजाते दिखते थे 2006-07 में। देश और दुनिया की जनता, आप सभी के कल्याण की कामना के करते हुए सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में एक बहुजन आंदोलन है, आंदोलन है दलित शोषित पिछड़ी जातियों का। वो सामाजिक आंदोलन भी है, सांस्कृतिक आंदोलन भी है, धार्मिक आंदोलन भी है, राजनीतिक आंदोलन भी है। आधुनिक युग में माननीय कांशीराम जी ने बहुजनों के लिए एक आंदोलन चलाया, और जो भी दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक लोग हैं, उस आंदोलन के प्रति हम सबकी सहानुभूति रही है, और किसी न किसी रूप में हम लोग उससे जुड़े भी रहे हैं। और इसके बाद आज अपन देखते हैं कि जब कांशीराम जी ने उस आंदोलन को ऊंचाई पर पहुंचाया, और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि 2014 में बहन जी 0 पे आ गई लोकसभा में, और 2019 में जब अखिलेश से समझौता हुआ तो 10 सीटें आई। फिर क्या कारण रहा कि 2022 में उन्होंने समझौते को तोड़ दिया, और 2024 में समझौता नहीं करा, फिर शून्य पे आ गई। तो हम सभी लोगों को इस बात का दुख है सज्जनों, बहुजन लोगों को, या माननीय कांशीराम साहब के जिस मिशन को लोग समझते हैं उनके लिए। आज हमारे बीच में देश के जाने माने विद्वान और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर प्रोफेसर रतनलाल जी एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, एक ऐसे महान व्यक्तित्व है जो किसी सरकार से, किसी तंत्र से नहीं डरते हैं, और अपनी अपनी बात बेबाक तरीके से अंबेडकर नामा के रूप में रखते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को वो बुलाते हैं, हम भी उनका चैनल देखते हैं, उनसे बहुत प्रभावित है। मेरे अल्प आग्रह पर उन्होंने अपने व्यस्ततम टाइम में से टाइम निकाला, और शीघ्र ही वो जुड़ गए सज्जनों, इसलिए फूलों की बरसात करके उनका स्वागत करें। सभी लोगों से आग्रह कि अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस मोमेंट को समझने में प्रोफेसर रतनलाल साहब का जो विद्वता है उनकी, और निष्पक्ष बेबाक विश्लेषण है, वो सब हम सबको लोगों को सुनने को मिले। तो फूलों की बरसात करके स्वागत करें जी। सम्मानी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमोबुद्धाय, और हमारे इस चैनल पर, सत्य के दर्शन पर आपका स्वागत है। वैसे हमारा जो चैनल है वो गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान, बाइबिल का क्रिटिकल अध्ययन करता है, और साथ में लोगों को ये बताता है कि अंधविश्वास से, जात पात से, सांप्रदायिकता से दूर रखो। राजनीतिक विषयों पर हमारे बात करना उचित नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अब चुनाव हुआ है, इसका समाज पर, राष्ट्र पर, विशेषकर दलितों, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर क्या प्रभाव होता है, तो इसलिए हमने एक सीरीज चलाई थी, 2-3 वीडियो इस पे बनाए हैं। तो ये अंतिम सीरीज में आप अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित हैं। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप हमारे इस बहुजन आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं, आपने उत्तर भारत में काम भी किया है, जनता के बीच में भी जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ये बहुजन मोमेंट के इतिहास के विषय में थोड़ा बहुत
शुक्रिया आपका, और मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञाता जी, आप नहीं अपनी हूँ। बात रखिए, बहुजन आंदोलन को कैसे आपने देखा आम है? रिसर्चर हूँ। देखिए, पार्टी कौन सफल हुई कौन नहीं हुई ये तो उसके नेता हैं वो बताएंगे, लीडर ही जी बताएंगे जी ना कि अंदर खाते क्या चल रहा था नहीं चल रहा था, तो वो तो नेता ही बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे। लेकिन बीजेपी अभी सबसे शक्तिशाली पार्टी और जी दर्जनों जी पार्टी के साथ अलायंस है, कांग्रेस दूसरी शक्तिशाली पार्टी है, जी उनका जी भी जी अलायंस है दर्जनों पार्टियों के साथ। तो जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां अकेले के जी बुल बल पे, जिनके पास पैसा है संसाधन है ऑर्गेनाइजेशन है लीडर्स हैं, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है अगर, तो इसका मतलब किसी भी पार्टी का चुनाव लड़ना भारत में एक तरह से सुसाइडल सुसाइडल स्टेप होता। और जो संभावना हम लोग को दिख रही थी काफी दिनों से, और ये लग रहा था, हम लोगों ने पहले कोशिश भी की थी, जितना 2000-4000 लोग सुने तो ये बात कहने की बार बार कोशिश की कि अलायंस में आना चाहिए, लेकिन अब लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पे, हमने देखा कि लोग कह रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री का पद घोषित करो उसके बाद अलायंस में आएंगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा किसी पार्टी में जी नहीं। बिल्कुल सही, अभी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता आपसे। ऐसा नहीं होता, बाद में कंसेंसस लोग बनता है, फिर उसमें कौन बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन मैं जरूर ये समझता हूँ कि अगर वो गठबंधन में आती है, 15-20 सीट भी उनके जीत जाते हैं, तो बहन जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो जरूरी बन जाती है, इतना मेरी समझ है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती थी। हाँ लेकिन बिल्कुल सही है, डेप्यूटी प्राइम अगर जी अगर अगर अखिलेश जी और बहन जी और राहुल जी का अगर समझौता हो सकता तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 70 सीटें आ जाती करीब। ज्यादा भी हो सकता था। खैर एनीवेज, जी जी देखिए जी जी मैं रिसर्चर होने के नाते मेरी ये समझ कि बहुजन समाज पार्टी जब अपने फुल फ्लो में थी, फुल फ्लो में कह रहा हूं मैं, जी 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 तो पावर उस में। समय भी पहले समाजवादी पार्टी से समझौता हुआ था, याद है आपको 90s में हाँ बिल्कुल सही, हुआ वो था हुआ था। फिर गेस्ट हाउस कांड क्या था वो सब तो डिटेल्स अलग बात है, लेकिन समझौता टूट गया। उसके बाद बीजेपी से समझौता हुआ, 3 बार मुख्यमंत्री बनी, उसका बिल्कुल सही, साथ में एक बार जो है ना पूरा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि अब बहुजन पार्टी भी उस तरह से नहीं रही है, सर्वजन पार्टी हो गई, तो इसलिए नाम नाम में और स्लोगन में थोड़ा सा गैप है, डिफरेंस है। तो जब आप सर्वजन हो गए, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो एक बार सब लोगों ने मिलके जितना ड्रम्स बजाया, चाहे जो भी डिसकंटेंट रहा हो समाजवादी पार्टी को लेकर या बीजेपी को लेकर, मिला जुला के एक बार फुल फ्लेजेड जो है ना उनकी सरकार बन गई, 7 से 12 तक सरकार रही। लेकिन जी उसके जी बाद पुनः जो है जब आरएसएस बीजेपी मजबूत हो गया, तो जितने मुझे लगता है कि जितने उनको उनके बेस कोर वोटर थे वो सब पुनः वापस बीजेपी में चले गए, जो शंख वंख बजाते ढोलक बजाते दिखते थे 2006-07 में, वो सब वापस चले गए। जी तो जी जी कैसे काम होता है नहीं होता ये तो मैं नहीं कह सकता कि पार्टी के अंदर क्या डिसीजन होता है, जैसे आकाश ने कुछ कहा तो उसको निकाल दिया गया तुरंत, जिम्मेदारी मुक्त कर दी गई। तो ये तो आखिर बसपा के जो सुप्रीमो है लीडर्स हैं वो बताएंगे कि क्यों जीते क्यों हारे, उनका अपना तंत्र होगा। लेकिन प्राइमा फेसी हमें लग रहा है कि इतने मुश्किल चुनाव में, जो कि संविधान आरक्षण तमाम ये सब बात हो रही थी कि संविधान को खतरा है, बीजेपी इसलिए चाहती है कि 400 पार इसलिए चाहती है कि हम संविधान बदलेंगे, वो तो लोग कह भी रहे थे, ऐसा कोई थोड़ी छुपी हुई बात है, उनके विधायक ही, इतने उनके सांसद ही कह रहे थे, 4 लोगों ने कहा, उनके सांसद वीडियो पड़े हुए हैं, जी हाँ उनके सर, वीडियो पड़े हुए हैं। जब सांसद ही कह रहे थे तो इसका हाँ मतलब तो 10 साल से हम लोगों ने देखा भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, दलितों पे एट्रोसिटीज बढ़ा, कोई नियम कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जिसको मर्जी है पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसको मर्जी है पीट दिया, पूरा निजीकरण हुआ, नौकरियां खत्म हुई, कितना शिक्षक घोटाला नीट घोटाला सब कुछ चल रहा है ना। तो जी 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 दलित का जो मिडिल क्लास है वो तो नौकरियों के बल पे ही बना है ना, कोई बिजनेस जमीन जमींदारी तो है नहीं। तब बिल्कुल वही सही, सब जब हो रहा था, जब सारे आरक्षण वगैरह खत्म इरिलेवेंट किए जा रहे थे, नौकरियां नहीं आ रही थी, अग्निवीर आ रही थी, विश्वविद्यालय का जो हाल था वो हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोगों ने रोस्टर का एक आंदोलन भी चलाया था 19 में, तो जी जी बिल्कुल सही, वैसे इस स्थिति में किसी भी पोलिटिकल पार्टी में, बसपा को ही नहीं कह रहा हूँ, आत्मचिंतन करना चाहिए। पार्टी बनती है हर समय आंदोलन से, आंदोलन जो है ना वो ऑक्सीजन का संचार करता है पार्टी में,
तो जब आप सड़क पे नहीं है, रोड पे नहीं है, आप किसी मुद्दे पर आप मुखर ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ आंदोलन ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वोटर कोई परमानेंट वोटर किसी का नहीं होता है। हाँ, माहौल देख के, वोटर माहौल देख करके माहौल बनता है। अब लोग समझ रहे थे कि अब संविधान खतरे में है, नौकरी खतरे में है, तो लोगों ने जो सोचा कि जो जो बीजेपी को हराएगा, सपा से बहुत सारे अंतर विरोध है, उन्होंने प्रमोशन का बिल फरवा दिया सब कुछ, तब भी पत्थर दिल पर पत्थर रख के लोगों ने इंडिया एलायंस को वोट कर दिया। बिल्कुल सही है। और एक हाँ, वो एक बात और आ रही है कि भाई मुस्लिम को इतना टिकट दिया, तो मुस्लिम को ही इतना टिकट क्यों दिया, सवाल है ना। मुस्लिम समाज तो आप जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ और ये मन बना चुका था, ये बीजेपी को जो हराएगा उसी को वोट देंगे, तो टिकट देने का बहुत फायदा नहीं था। देखिए 19 में अलायंस हुआ तो 10 सीट जीते। जी, अगर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं होता, आप जाके अंबेडकर नामा पर एक वीडियो देखिए, हाँ, मैंने मैंने उन देखा, दस आपने दस आपने पूरा बताया, उसमें 10 सीटों का आपने विश्लेषण किया दस है। सीटों का मैंने मूल्यांकन किया है कि अगर वोट ट्रांसफर नहीं होता तो 10 सीट कैसे जीतते, और इस बार 10 सीट हार क्यों गए, हार गए ना 10 सीट, तो अच्छा इसका सामान्य, जी बीच में मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि बहन जी को इतनी दूरदर्शिता दूरदर्शिता नहीं थी कि भाई अगर 2014 में हम अकेले लड़े तो 0 पे थे, और जब 2019 में हम लड़े तो हमारी 10 सीटें हो गई, तो 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जब हमें 10 सीटें मिली है और सपा को 5 सीटें मिली है, तो ये दूरदर्शिता तो उनके अंदर होना चाहिए, या उनके नेताओं के, या जो भी कार्यकर्ता उनके, जो भी उनको गाइड करने वाले लोग हैं या सलाह देने वाले लोग हैं, कि भाई अगर साथ में हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास 10 सीटें हैं, तो अखिलेश भी दबाव में रहेगा और हमें ज्यादा सीट मिलेगी। और अगर 2022 का चुनाव अगर ये दोनों साथ में लड़ते, तीनों साथ में लड़ते, कांग्रेस, सपा और बीएसपी, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। आप इस संबंध में क्या कहेंगे? आपने क्या विश्लेषण किया? मैंने शायद एक वीडियो देखा था, मैंने मैंने एक वीडियो देखा था कि शायद 119 सीटें सपा हारी थी बीएसपी की वजह से, और बीएसपी केवल एक ही सीट जीत पाई थी, तो उसका भी थोड़ा हमारे दर्शकों को आप विश्लेषण करें। जी वो बात आप सही कह रहे हैं कि अगर अलायंस में जीतती तो वहां बीजेपी किसी कीमत पर नहीं जीत सकती है। अगर सपा बसपा का ऐलान, तो समाज संकट में हम लोग के लिए कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, वो अलग मैटर है। समाज मुश्किल में है, शिक्षा रोजगार के सवाल है, स्वास्थ्य के सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। तो जिस तरीके से 10 साल में हुआ, अब तो खैर अब जो सरकार बनी है थोड़ी कमजोर सरकार है, अब उसके भी बहुत सारे अंतर विरोध सामने आ रहे हैं, लेकिन अलायंस होता तो वाकई चुनाव जीत जाता। अब हाँ, क्या बिल्कुल समझ सही। लिए ना, क्या और अगर अलायंस समझ लिए? होता, जी अलायंस होता, और अगर सरकार हमारी मिली जुली बनती, तो दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का बहुत सारे अधिकार मिलते, अत्याचार नहीं होते, इसके बाद हम यूनिवर्सिटी में अपने लोग बिठाते और 1,00,000 के पद निकाल सकते थे। मतलब बहन जी बहुत कुछ समाज के लिए कर सकती थी। जाहिर है, और समाज के लिए कर सकती थी, अपने लिए भी कर सकती थी, मंत्रालय उनके पास आ सकता था। देखिए अखिलेश यादव की रणनीति समझिए, 22 के चुनाव में फरसा वरसा ले घूम रहे थे, मूर्ति बनवा रहे थे, जी, लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि इससे वोट नहीं मिलने वाला है तो पीडीए पे आ गए। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी तरह सब नास्तिक हो जाएगा और ये मानेगा वो मानेगा, अखिलेश यादव से ये उम्मीद करना भी ठीक, चाहे किसी नेता से फॉर दैट मैटर उम्मीद नहीं, लेकिन ये पूरा आइडियोलॉजिकल जो शिफ्ट हुआ है पीडीए पे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जिस तरह का टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 2 सामान्य सीट पे दलित को चुनाव लड़वाया गया, मेरठ ये और बहुत बड़ी बात है, ये हाँ, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अखिलेश तो को धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि भाई जब हाँ तक हम दलितों, आदिवासी, पिछड़ों के आंदोलन को नहीं समझेंगे, हम सवर्णों को खुश करने के चक्कर में इनको छोड़ रहे हैं। जी, तो ये बात उनको जब समझ में आई तो उसका रिजल्ट भी सामने है, आप देख रहे हैं। जब राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, जातिगत जनगणना होना है, तो उस समय अगर आप घर में बैठे रहिएगा, एनर्जाइज कार्यकर्ताओं को नहीं कीजिएगा, तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपके वोटर हैं जाके वोट दे देंगे हाँ, उसको नहीं, अपने बिल्कुल सही, लीडर। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं कह रहा कि जाति जनगणना को
बहन जी को भी पुरजोर तरीके से उठाना था। संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, निजीकरण से हमारा नाश हो रहा है, इन मुद्दों को उन्होंने उनको बिल्कुल जन जागृति करना था और सभाओं की बिल्कुल झड़ी लगा देना था। भाई मोदी पूरे आपने देखा होगा मोदी जी जब कहीं विधानसभा चुनाव होते इतनी सभा करते तो बहन जी तो कहीं दिखती नहीं है वहां पर। भाई मान लो जैसे मध्य प्रदेश में अब 4 साल बाद अगर अगर चुनाव होगा तो कम से कम आज से आप प्लानिंग कर लो कि मुझे 50 सीट चाहिए, हर जिले में एक सीट चाहिए टारगेट, और फिर आपको बार बार जाना है, हर महीने में मीटिंग लूंगी मध्य प्रदेश में आकर के या राजस्थान में आकर के या दिल्ली में आकर के। लेकिन बहन जी का ऐसा मोमेंट नहीं दिखता, लेकिन अपन देखते हैं कि मोदी योगी जी ये दिन रात लगे रहते हैं। यही बात है ना, उनके पास सैकड़ों संगठन है, सैकड़ों लीडर्स हैं, पैसा अथाह है, मीडिया पे कब्जा है, तब भी वो लोग घूमते रहते हैं, सभा करते रहते हैं, भाषण करते रहते हैं, तब भी घूमते रहते हैं। अच्छा मैंने देखा कि बहुजन मोमेंट में ये है ना, तो हमारा विद्यार्थी मोर्चा है, ना किसान मोर्चा है, ना युवा मोर्चा है, ना हमारा महिला मोर्चा है। मतलब जैसे संगठन बना करके माननीय कांशीराम जी कहते थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी एनालिसिस ऑफ कॉस्ट में कहते हैं कि जब तक गैर राजनीतिक जड़े हमारी मजबूत नहीं होगी, हमारे सांस्कृतिक आंदोलन नहीं होंगे मजबूत, तब तक हम राजनीतिक आंदोलन सफल नहीं हो सकता हमारा। आप इस संबंध में क्या कहेंगे? बाबा साहब का धर्मांतरण का मिशन तो कहां चला गया पता ही नहीं लगा। आपने देखा जी, कोई नेता उस पर कुछ बोलता है जो कि उनके जीवन का एक लैंडमार्क था, उस पर कोई नहीं बोलता है। सामाजिक सांस्कृतिक जड़े कैसे मजबूत होंगे पहले ये समझिए। इसके लिए आपके पास एक समृद्ध मिडिल क्लास होना चाहिए। पत्रकार, चित्रकार, वकील, सीए, ये सब नहीं होंगे जब मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं होगा, तो आप सांस्कृतिक आंदोलन क्या चला लेंगे। बाबा साहब भी पूरे जीवन में पढ़े, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब तमाम धर्मों का इतिहास पढ़ा, तब उन्होंने 20 साल में एक निर्णय लिया। और ये सोचिए, इसको ऐसे देखिए, कांशीराम जी का जो मूवमेंट था DS4, बाम सेफ चाहे बसपा, उसको फंड कहां से मिला? किसी इंडस्ट्री से मिला, कर्मचारी अधिकारियों ने दिया। कर्मचारी अधिकारियों ने दिया तो वो नौकरियां अगर नहीं होती तो 40-30 साल में जो नौकरियां मिली थी, जो एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ था, वो नौकरियां अगर नहीं होती तो क्या ये आंदोलन कर पाते? पैसा फंड कहां से आता? बाबा साहब भी चंदा लेते थे इमारत बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, अखबार चलाने के लिए, तो सांस्कृतिक इंटेलेक्चुअल कल्चरल लेवल पे कहां काम हुआ बताइए मुझे। इतने बड़े बड़े संगठन ने करोड़ों करोड़ रुपया चंदा मिला, एक इंग्लिश मीडियम का शानदार स्कूल बना DPS की तरह, तो जब आपका मिडिल क्लास ही नहीं रहेगा तो आपका कोई आंदोलन नहीं चलेगा। पहली बात क्लैरिटी रख ली, दुनिया की हर क्रांतियां जो है मिडिल क्लास के लोग करते हैं, ये इतिहास बताता है। जो आदमी को अपने सर्वाइवल का सवाल रहेगा, दाल रोटी का सुबह शाम सवाल रहेगा, वो क्रांति कैसे करेगा? तो इसलिए दुनिया भर में जो लीडरशिप आता है वो मिडिल क्लास से आता है। इसलिए हम लोग बार बार जो नौकरियों पर जोर दे रहे हैं कि लाखों नौकरियां मिली, MLA MP तो कितने लिमिटेड बन सकते हैं ना भाई, 131 सांसद ही बन सकते हैं ना, अगर कोई पार्टी रहे ना रहे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हर पार्टी को टिकट देना है 131 रिजर्व, लेकिन नौकरियां तो लाखों मिल सकती है। बिल्कुल सही है भाई, स्कूल टीचर तो लाखों लाख बन सकते हैं, रेलवे में लाखों नौकरियां मिली और सब बर्बाद किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि RSS BJP को यह बात समझ में आया कि ये बसपा को, आप बाम सेव को, ऐसे संगठन को जो फंडिंग हो रहा है इसी मिडिल क्लास से हो रहा है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा, तो सरकारी स्कूल का हाल देख लीजिए, ध्वस्त हो गया। सरकारी विश्वविद्यालय खत्म कर दो, स्कूल कॉलेज खत्म कर दो, इनके पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ेंगे कहां? आप जीवन भर कांग्रेस को गाली देते रहे, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन 56 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, उसके बाद अगर 30-35 सालों में वो पब्लिक सेक्टर नहीं बनता, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं होता, MIIT नहीं खुलते, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खुलता, तो रिजर्वेशन कहां लागू करते हैं? ये बताइए। सही, दूसरा सही। आपको पेट्रोल पंप भी मिले हैं, गैस एजेंसियां भी मिली है कि नहीं मिली? मिली ना, मिली अपने लोगों को, मिली पेट्रोल पंप मिले। अब कैसे समाज कैसा है कि अब भूल जाएगा, आंख बंद कर लेगा सीधा? जमीनें तो भी मिली कांग्रेस के शासनकाल में, जमीनें भी मिली करोड़ों अरबों रुपए, जमीन भी मिली, बसाया गया, कॉलोनीज बसाई गई,
जितने सरकारी यूनिवर्सिटीज आईआईटीज खुले तो उसमें आपके बच्चे पढ़े ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, फेलोशिप पे पढ़े। आज कोई बच्चा पढ़ा सकता है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में। तो ये सारे आपको जो मिले थे 30-40 साल में, वो मिडिल क्लास या आपको चंदा देने वाला वर्ग ही ध्वस्त हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो आपको फीड कर रहा है उसी को ध्वस्त कर रहा है बीजेपी आरएसएस। और आप तब भी आपकी चुप्पी है तो पब्लिक आपको वोट क्यों देगा, कब तक देगा? अच्छा एक बात और संबंध में पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई महल अंबद बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उसकी नींव मजबूत होना चाहिए। जितनी ज्यादा नींव मजबूत होगी और जितने अच्छे पिल्लर होंगे, उतना वो महल मजबूत रहेगा। ये सामान्य सी बात है। हम ये देखते हैं बहुजन मूवमेंट में जो भी लोग कांशीराम साहब के साथ काम करते थे, जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी, घर बार छोड़ा, पूरा जीवन लगा दिया, धीरे 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 उनको गद्दार घोषित कर करके निकाल दिया गया। आपने देखा होगा जो भी 10-20 साल काम कर रहा, अच्छा लीडर बनता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, अच्छा वक्ता बनता है, विद्वान बनता है, नेतृत्व करता है, कोई ना कोई बहाना बना करके उसने ये बयान दे दिया, वो उसके पास ऐसा बैठ गया था, उसने ये भ्रष्टाचार करा, और उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। अब मुझे बताइए कि 10-20 साल में एक विद्वान व्यक्ति तैयार होता है, एक लीडर तैयार होता है, एक नेतृत्व करने वाला तैयार होता है, जो पूरे प्रदेश और पूरे देश में यात्रा करता है, और उस आदमी को हम गद्दार कह के घोषित करके और निकाल देते हैं, तो वो मोमेंट कैसे सक्सेस हो सकता है जिसके लीडर कोई, मतलब जिनके जो आने वाली पीढ़ी है या जिनके कंधों पर वो आंदोलन चल रहा है, उसी के कंधों को ही आप तोड़ देंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो बाबा साहब ने खुद ही लिखा है कि व्यक्ति पूजा जो है, भक्ति जो है ना, व्यक्ति पूजा तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ठीक है, तो अब क्या वजह है, नहीं वजह है, कोई डर है? भाई हमें तो 1000 लीडर चाहिए, एक लीडर से काम नहीं चलेगा भारत में, 1000 बोलने वाला दबंग लीडर चाहिए, और लीडर की फैक्ट्री लगनी चाहिए, फैक्ट्री। बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी बात कही। हमें हमें लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए। जो विधानसभा मुंह खुले, सड़क पे ही मुंह खुले, आंदोलन भी करे, सवाल भी उठाए, गिरफ्तारी से डरे नहीं, निर्भीक हो, ईमानदार हो, ये सब पैरामीटर है लीडरशिप के। लीडरशिप के लिए बाबा साहब ने कहा है, सुनिए बता रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा है कि एक लीडर बनने के लिए उन्होंने रिपब्लिकन ट्रेनिंग कॉलेज खोला था, आपको शायद पता हो, उनका पूरा बाकायदा सिलेबस बना था कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे। एक लीडर बनने के लिए उसको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, उसको राजनीति शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, नहीं तो समझेगा कैसे कॉम्पिटिटिव को। तो यहाँ कोई शिक्षा को लेकर कोई आंदोलन आपने देखा? क्योंकि शिक्षा ही श्रेणी का दूध है, खाली नारा आप देते हैं, मोमेंट कुछ नहीं है, फील्ड में कोई काम नहीं, फील्ड में कोई काम नहीं। भाई रोस्टर का आंदोलन हम लोगों ने चलाया, आपको याद होगा 2019 में, जी। तो उस समय हम लोग जीते, तो उसमें तो लाखों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड को भला होगा ना, लाखों लोगों को भला होगा। और इसमें नेता लोग क्या कर रहे थे? नेता जो आंदोलन आप, जो आंदोलन आपने चला रहा है, हमने चलाया, हम सब मिलके जो चला रहे हैं, भाई हम बोल रहे हैं उस उनके खिलाफ जो शोषक शोषण वाली व्यवस्था, ये नेता लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये संसद का घेराव क्यों नहीं करते हैं? विधानसभा घेराव क्यों नहीं करते हैं? जिला मुख्यालय पे अभी नीट का एग्जाम अपन देखते कितना भ्रष्टाचार हुआ उसमें। अब पार्टियां क्या कर रही है जो विपक्ष की, मान लो बहन जी को अपन हीरो माने तो उनको उनको सब पे लागू है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि एक पार्टी विशेष में क्या बोलूं, ये तो मोडस ऑपरेंडी कैसा होगा। देखिए बीजेपी में अभी कितने बड़े बड़े लीडर्स एक साथ दिखेंगे, उनमें अंतर विरोध भी है तब भी सब साथ रहते हैं। भाई गडकरी में या मोदी साहब में कॉन्फ्लिक्ट है तब भी साथ है। और आप और पार्टी उठा के दिखा लीजिए, बड़े नाम आपको दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति केंद्रित जब हो जाता है ना पूरा आंदोलन, तो उसमें तो राजा ही निर्णय लेगा ना। राजा बोलेगा आंदोलन मत करो तो मत करो, राजा अगर कहे कि आंदोलन करो तो करेंगे। तो देखिए मेरी ये समझ है, आखिरी सेगमेंट में आपको कह रहा हूं कि बाबा साहब ने तीन पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 37 के चुनाव में 15 या 17 सीट जीती थी बॉम्बे प्रोविंस को, 15 एग्जैक्ट नंबर याद नहीं मुझे, लेकिन 15-17 जीती, 15 ही थी। हाँ, और 1951 के पहले लोकसभा चुनाव में जहां तक मैं ठीक हूँ एक भी सीट वो नहीं जीत पाए थे। ठीक है, बाद में बाबा साहब के बाद रिपब्लिकन पार्टी कुछ विधायक उत्तर प्रदेश में बने, तकरीबन 9 लोग जीते थे तकरीबन। उसके बाद पूरा दलित पॉलिटिक्स धराशायी हो गया, समझिए।
कांशी राम जी सक्सेसफुल इसलिए हुए कि उन्होंने सोशल इक्वेशन बनाया। बाबा साहब ये जब पॉलिटिकल लीडर है ना, ये पार्टी मैन, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे तो वो रूलिंग एलिट से कैसे बात करते थे? मेमोरेंडम जाके देते थे, डेलीगेशन लेके जाते थे वायस राय के पास, जवाहरलाल नेहरू को दिया अपना संविधान बना के राज्य और अल्पसंख्यक, कि भाई हमारे लोगों के राइट से ये सब प्रोटेक्ट करो। तो तब ना संविधान में आरक्षण का प्रावधान कैसे आया, अकेले थोड़ी आओ, बहस हुई होगी, विचार विमर्श हुआ होगा, लोगों को कन्विंस किया गया होगा कि हमारे साथ हजारों साल एट्रोसिटीज हुई है तो हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। बिल्कुल। और हमारे दलित लोगों का सिलेबस अभी 1932 के आगे पढ़ता ही नहीं, उनको ये भी नहीं पता है कि 10 साल तक बाबा साहब ने पूना पैक्ट सेलिब्रेशन दिवस मनाया था, ये भी नहीं पता है। बाद में जो उसकी विसंगतियां हैं वो दिखने लगी, लेकिन बाबा साहब एज ए पोलिटिकल पार्टी के लीडर सक्सेसफुल नहीं हुए। वो कम्युनिकेशन, संवाद, डेलीगेशन, मेमोरेंडम लिख के रूलिंग एलिट से, पावर से उन्होंने अपने समाज के लिए समझौते किए। और लखनऊ के भाषण में उन्होंने कहा भी था, 24-25 अप्रैल लखनऊ 1948 के भाषण की बात कह रहा हूँ, जी, तो कहा भी था कि हम कम से कम संविधान सभा में इसलिए गए थे और कांग्रेस मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल हुए थे कि हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके। बिल्कुल सही है। और रक्षा कर सके तो हितों की रक्षा जवाहरलाल नेहरू चाहे इंदिरा गांधी राजीव, तमाम लोगों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए। कोई दलित पार्टी का कोई डेलीगेशन, आपने सुना है कि प्रधानमंत्री से जा रहा है डेलीगेशन मिलने की, हमारे मेमोरेंडम है, डिमांड है हमारे समाज का पूरा करो, सुना है आपने, देखा है कहीं? यही तो दुर्भाग्य, वही मैं आ रहा हूँ, कहता है कि हम राजा जब बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अधिकार किश्तों में मिलते हैं और इसके लिए एक संघर्ष करना होता है। एक साथ थोड़ी मिलेगा भाई, धीरे धीरे आप दबाव डालो, शासन प्रशासन पे आंदोलन करो, धरना करो, सरकार से मिलो कि हमारी ये मांगे, 10 मांगे ले जाओ, दो तो वो हल करेंगे। अब अंतिम बात मैं कह रहा हूँ जी जी कि कांशीराम जी पॉलिटिकली सक्सेसफुल क्यों, और ये फुल फ्लेजेड सक्सेसफुल अभी भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली लोगों को जोड़ा, पॉलिटिकली जोड़ा, ठीक है, मैं पॉलिटिकल अलायंस कह रहा हूँ, कल्चरल अलायंस अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, आइडियोलॉजिकल नहीं कह रहा हूँ। मेरी समझ यह है कि दलित एज इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी देश में सर्वाइव नहीं कर सकता है। बाबा साहब ने 1951 में सोशलिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया था पहले चुनाव में, इंडिपेंडेंट ट्राइबल पार्टी सर्वाइव कर सकता है क्योंकि कई राज्यों में पूरा ट्राइबल पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ट्राइबल राजनीति इंडिपेंडेंट वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन दलित का पॉपुलेशन किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना नहीं है कि अपने टर्म्स पर वो डिक्टेट कर ले या जीत ले, इतना नहीं है। वो तो सामाजिक समझौते करने होंगे ना, सामाजिक राजनीतिक समझौते करने होंगे। तो कांशीराम जी सफल इसलिए हुए कि उन्होंने समझौते किए, यहाँ तक कि आरएसएस से भी समझौता कर, बीजेपी से समझौता करके 3 बार बने। सही, तो अलायंस तो करना ही पड़ा ना, जब अपने राइज में थे पूरा तभी अलायंस करना पड़ा। तो मेरी समझ ये है कि इंडिपेंडेंट दलित पॉलिटिक्स, देखिए कोई पार्टी रहे ना रहे, आखिर 131 सांसद तो रहेंगे, बिल्कुल सही, तो उसी पे दबाव बनवाओ, प्रेशर बिल्डअप करो सरकार पे, मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर बिल्डअप करो कि हमारे अधिकार सुनिश्चित करो। अब ये क्या धरना दो, हाँ ये ठीक है, तो सामाजिक समझौते करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल क्लास बाबा साहब बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, कांशीराम जी भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, उन्होंने पॉलिटिकल अलायंस की। इसलिए जब संगठन डेमोक्रेटिक नहीं रहा तो जात जात की पार्टी उसी में से निकल के बन गई। राजभर है वहां पे, अनुप्रिया पटेल है अपना दल है, निषाद पार्टी है, ऐसी पार्टियां कहां से आ गई? तो जो बहुजन था वो सर्वजन जैसे हुआ, वैसी जातियों की पार्टियां बनने लगी। जी बिल्कुल सही। अच्छा मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। एक तो ये हुआ कि बहुजन आंदोलन को केवल जो एक दलितों में जो चर्मकार कम्युनिटी है वहीं तक सीमित हुआ, तो दलित की जातियां भी धीरे धीरे हमसे दूर हो गई और ओबीसी की जातियां भी धीरे धीरे दूर हो गई। अच्छा एक और हमने एक गलती की कि बाबा साहब को केवल हमने दलितों से जोड़ करके देखा और संविधान को केवल, संविधान से केवल दलितों को फायदा हुआ, आदिवासी पिछड़ों को, हमने कभी ये नहीं सोचा कि बाबा साहब सबके हैं या संविधान सबका है और संविधान से सभी कम्युनिटी को फायदा हुआ। इस दृष्टिकोण से हमने लोगों को मैंने छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम में भाषण दिया था
जी इस जी संविधान से सबसे ज्यादा फायदा जो है ना वो यहाँ जी के जिसको सवर्ण समाज कहते हैं उनको हुआ है सबसे ज्यादा फायदा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल मैं भी यही कहता हूं प्रवचन में। तो हाँ एक भजन मैं आपके सम्मान में सुनाना चाहूंगा, बाबा साहब के सम्मान में मैंने लिखा है। और मैं जब गांव गांव में प्रवचन करता हूँ, शहरों में जाता हूँ, तो बाबा साहब के बारे में यही बताता हूँ कि बाबा साहब को आप केवल दलितों का मसीहा मत करिए, वो विश्व रत्न है, वो भारत रत्न है, वो पूरे दुनिया के हैं। और संविधान सबके कल्याण के लिए, सबसे ज्यादा फायदा सवर्णों को मिला है संविधान से। तो मैंने बाबा साहब के सम्मान में एक भजन लिखा है और आपके सम्मान में पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, ए जी शिक्षा शेरनी दूध है, चढ़ना पड़े पहाड़, और ज्ञान मिले तो गूंगा भी करने लगे दहाड़। ये दोहे बनाए मैंने कुछ, बकरे मुर्गे भैंसे की बलि देता हर कोई, और बनो शेर जीना है तो डरे सत्य सबको। दिया भीम ने सबको कानून, सबको संविधान, गणतंत्र दिवस पर नाम भी नहीं लेते नादान। तो एक भजन लिखा है कि मेरे भीम ने और तेरे भीम ने, हम सब के भीम ने, मुर्दों में जान डाल दी है मेरे भीम ने, गूंगों को भी जुबान दी है मेरे भीम ने, सदियों की बेड़ियों को भी काट दिया रे, सदियों की बेड़ियों को भी काट दिया रे, सबको समान हक भी तो बांट दिया रे, मजलूम को भी देखो क्या शान दी है मेरे भीम ने और तेरे भीम ने, हम सब के भीम ने, मुर्दों में जान डाल दी है मेरे भीम ने, अंधों को आंख दी है, बहरों को कान भी, अंधों को आंख दी है, बहरों को कान भी, निर्धन को दिया धन है, दिया है मान भी, मजदूर को भी मंजिल घातान दी है मेरे भीम ने और तेरे भीम ने, हम सब के भीम ने, मुर्दों में जान डाल दी है मेरे भीम ने, नेता बना दिया तुझे अफसर बना दिया, नेता बना दिया तुझे अफसर बना दिया, मिलता नहीं था मौका अवसर दिला दिया, मिलता नहीं था मौका अवसर दिला दिया, मेरे लिए भी और तेरे लिए भी, हम सब के लिए भी, जिंदगी कुर्बान की है मेरे भीम ने, जिंदगी कुर्बान की है मेरे भीम ने। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कैसा लगा हमारा भजन? दो शब्द बहुत शानदार, बहुत मजा आया, और हम लोग बात करते रहेंगे। आप भी अम्बेडकर नामा पर आइए और सब चलिए दूसरे से किसी, चर्चा बात करें। किसी दिन आप मेरी गीता पर, रामायण पर, वेद पुराण उपनिषद पर, रामचरित मानस पर विशेषज्ञता है, और मेरा चैनल है, उस पर भी मैं क्रिटिकल अध्ययन करता हूं, और पूरे देश में जाकर के मैं संगीतमय भीम कथा, कबीर कथा, रविदास कथा दो दो तीन तीन घंटे करता हूँ, उसके माध्यम से बहुत जागृति आ रही है। तो कभी दिल्ली में ऐसा प्रोग्राम रखिए आप भी, है ना। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपने अपना अनुभव समय निकाल करके और पधारे, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, धन्यवाद।